चीन दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, भारत और चीन आर्थिक सहयोग में दिखा रहे हैं सूझबूझ। टाइम मैगजीन को मोदी ने दिया इंटरव्यू, कहा दोनों देशों की सीमा पर 25 साल से नहीं चली गोली। आरजेडी से 6 साल के लिए बाहर हुए सांसद पप्पू यादव, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने आज तक से बातचीत में कहा लालू यादव को अपनी विरासत पर खतरा था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया हमला, कहा 10 साल तक थी उनकी सरकार, बताएं उन्होंने क्या किया। राजनीति का दिखावा करने वाले वो लोग आज जवाब दें कि 10 वर्ष तक उनकी सरकार केंद्र में रही, वो सपा के साथ गठबंधन में अपने हित में कई राजनीतिक कार्य करते रहे, लेकिन अमेठी के हित में उन्होंने क्यों कार्य नहीं किया। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने हाशिमपुरा कांड के खिलाफ संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन, धर्म के आधार पर भेदभाव का लगाया आरोप। ट्विटर पर खुला राहुल के दफ्तर का अकाउंट, 21,000 से ज्यादा हुए फॉलोअर की संख्या। अगर कोई अपनी बात उनसे कहना चाहता है तो अगर ये ट्विटर खुला है तो लोग अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं बेहतर ढंग से, मैं इसे एक अच्छा प्रयास मानता हूँ। जी नहीं, उनके पास कोई विचार ही नहीं है ना, वो तो वास्तव में अनपढ़ के बराबर है। तो ट्विटर में लोगों को प्रभावित करना चाहिए अपने विचारों से, लोग सहमत ना हो ना हो। राहुल गांधी के दफ्तर ने पहले ट्वीट में दी जानकारी, 12 मई को तेलंगाना के आदिलाबाद में 15 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे राहुल। अरुण जेटली फोन टैपिंग मामले को लेकर विशेष अधिकार कमेटी ने दी है रिपोर्ट, कहा यह सांसदों के विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं। लोकसभा सत्र और बढ़ाने पर विचार कर रही है मोदी सरकार, आज शाम सीसीपीए की बैठक में होगा फैसला। दिल्ली महिला आयोग ने राजनाथ को लिखी चिट्ठी, समन नहीं मानने पर विश्वास की शिकायत। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गद्दारों की पार्टी है, इन्हें महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, महिला का शोषण हुआ, उसका घर बर्बाद हुआ। हरियाणा में आपको झटका, राज्य कार्यकारिणी के 10 में से 7 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। नाराज नेताओं का आरोप, केजरीवाल का तानाशाही रवैया और नरेश बालियान को राज्य प्रभारी बनाया जाना मुख्य वजह। लगातार दूसरे दिन सलमान से मिलने वालों का तांता लगा, आज आमिर खान ने उनके घर पर की मुलाकात। बहन अलवीरा अर्पिता, उनके पिता सलीम खान भी मिलने पहुंचे, करण जौहर ने भी की मुलाकात। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी सलमान से की मुलाकात, कांग्रेस नेता नीतीश राणे भी मिलने पहुंचे। 8 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सलमान के जमानत याचिका पर सुनवाई, सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान ने खटखटाया है हाईकोर्ट का दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के वकील ने दायर की याचिका, सलमान की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की। फुटपाथ पर सोने वालों की कुत्ते से तुलना करने वाले गायक अभिजीत अब भी अपने बयान पर कायम, आज ट्वीट कर लिखा, मेरे बयान कड़वे हैं लेकिन सच हैं। हिट एंड रन केस में फैसले के बाद अभिजीत ने किया था ट्वीट, रोड पर सोने वाला कुत्ते की मौत मरेगा, रोड गरीब के बाप की नहीं। मुंबई में अभिजीत के बयान को लेकर प्रदर्शन, आरपीआई कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। गायक अभिजीत के विवादित ट्वीट पर शिकायत दर्ज, जयपुर में शिकायत दर्ज, शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अभिजीत के बयान का बॉलीवुड में भी विरोध, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने कहा ऐसे संवेदनहीन और नकारात्मक बयान का समर्थन नहीं। केजरीवाल सरकार के एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर महीने भर में आई 1.25 लाख फरियादी कॉल, सिर्फ 7 मामलों में हुई आरोपियों की गिरफ्तारी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटाने पर दे ध्यान। पूर्व केंद्रीय मंत्री नवीन जिंदल की बड़ी मुश्किल, झारखंड की अमरकोंडा कोल ब्लॉक आवंटन केस में स्पेशल कोर्ट ने जारी किया समन। कोल ब्लॉक से जुड़े केस में पूर्व मंत्री दसारी नारायण राव और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ भी समन जारी। श्रीनगर में नौकरी पक्की करने को लेकर अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इलाहाबाद में फोटो स्टेट की दुकान में छात्रों ने की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें। दुकान के कर्मचारियों का आरोप, फोटो स्टेट का पैसा मांगने पर छात्रों ने की हाथापाई, गाली गलौज भी की। मध्य प्रदेश के पन्ना हादसे के 21 मृतकों का शव भोपाल लाया गया, सभी शवों का किया जाएगा डीएनए टेस्ट। पूर्वी दिल्ली के NH-24 पर कूड़ा लदे ट्रक में लगी आग, बाल बाल बचा ट्रक का ड्राइवर। परिसर में बनी बैरक से 5 कैदी फरार, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, 4 की तलाश जारी। यूपी के बलिया में जेल में कैदियों की भूख हड़ताल, जेल में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। मिदनापुर के पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 12 मजदूरों की मौत, 4 जख्मी। स्थानीय टीएमसी नेता के घर में चल रही थी फैक्ट्री, पुलिस ने हिरासत में लिया। पटाखा फैक्ट्री में धमाका और आग पर गंभीर राज्य सरकार, मामले की सीआईडी जांच का दिया आदेश। बीजेपी ने कहा यह बर्धमान जैसी घटना है, पार्टी नेताओं ने मामले की एनआईए से जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, आईएसआईएस के तर्ज पर संगठन बनाने का आरोप। गिरफ्तार आरोपी इंटरनेट से जुटाते थे जानकारी, पुलिस के मुताबिक 3 खाड़ी देशों के संपर्क में थे। एंटी करप्शन ब्रांच पर पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा पुलिस एमसीडी दिल्ली सरकार या फिर विजिलेंस के अफसर ने घूस लिया तो कार्रवाई। पीएस बसी ने दिया दिल्ली विजिलेंस विभाग को आदेश, 1064 नंबर पर घूस संबंधी कॉल करने पर फौरन करे कार्रवाई। दिल्ली के सादिक नगर में चोरों का आतंक, 1 महीने में दिनदहाड़े चोरी की हुई 4 वारदात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास एक बस ने मिनी बस को मारी टक्कर, 3 यात्रियों की मौत, 22 जख्मी। पुणे के जुन्नार में नरभक्षी तेंदुआ पकड़ा गया, 2 दिन पहले तेंदुए ने एक बच्ची को मार डाला था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कोयला खान में फंसे 45 लोग, प्रशासन का बचाव अभियान जारी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की विजयनगरम की सभा में किसान ने खुदकुशी की कोशिश की, हालात फिलहाल खतरे से बाहर। बिहार के शेखपुरा कोर्ट ने रेलवे स्टेशन नीलाम करने का दिया आदेश, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर ने बकाया वेतन भुगतान को लेकर किया था मुकदमा। फरुखाबाद में 2 पुलिस वाले समेत 3 गिरफ्तार, माफियाओं से संबंध और कारतूस बेचने का आरोप। गया से अगवा डॉक्टर दंपत्ति को बदमाशों ने रिहा किया, यूपी के किसी शहर से रिहाई। पुलिस ने बरामद की डॉक्टर की ऑडी कार, मामले में 6 आरोपी की भी गिरफ्तारी। गोंडा में एक शख्स ने अपने 3 भतीजों को गठासे से काट डाला, 2 की मौत पर। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में हुई हत्या, फरार आरोपी चाचा का अब तक नहीं मिला सुराग। केरल के अलपुजा में एसएआई हॉस्पिटल में 4 होनहार खिलाड़ियों ने की खुदकुशी की कोशिश, 1 की मौत। घरवालों ने लगाया ट्रेनर पर प्रताड़ना का आरोप, सीनियरों पर रैगिंग का इल्जाम। आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी अप्रोप्रिएट टू वेट फॉर द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन
दीज अदर पॉसिबल। आईपीएल में राजस्थान और हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है राजस्थान। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। अंक तालिका में चेन्नई 14 अंकों के साथ पहले स्थान पर, राजस्थान 14 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर काबिज।